हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये टाइम है सुबह का और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज है दिन अमावस का, तो अमावस निकालनी है, उसके साथ ही साथ मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना है, सब्जी रोटी भी। हो सकता है उनकी ड्यूटी लग जाए, कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक। तो जी इधर देखो, मैंने प्याज को काट लिया मोटा मोटा, दो हरी मिर्च इनको चॉपर में चॉप करूँगी, इधर टमाटर कट कर लिए हैं दो, और इधर तीन आलू काट लूँगी। तो तीन आलूओं में काफ़ी सब्जी बन जाएगी। और तो जी मैं इनको काट लेती हूँ। और रसोई में इधर मैंने चावल भिगो दिए हैं खीर के लिए, इनको धो के और फिर खीर रखूँगी, ये थोड़े गल जाएंगे। तब तक मैं फटाफट से अपनी ये तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ अब, और काटने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो जी इधर मैंने आलू कट कर लिए और चॉपर में प्याज और लहसुन, वो प्याज और हरी मिर्च चॉप कर लिए, और अभी इनमें पानी डाल लेती हूँ धोने के लिए। वैसे तो जी मैंने ये छीलने से पहले भी धोए थे, लेकिन एक बार फिर धो लिए। और अभी मैं इधर चावलों को धो लेती हूँ एक बार मसल मसल के अच्छे से। तो जी इधर देखो मैंने चावल वॉश कर लिए अच्छे से, और अभी खीर रख देते हैं बनने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पतीला ले लेती हूँ, पहले तो चावलों को उबालेंगे, मतलब पहले चावल तैयार करेंगे और उसके बाद इसमें दूध डाल के खीर बनाएंगे। तो जी मैं थोड़े से अलग तरीके से बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ आज। देखो जितने चावल थे उतना पानी ले लिया, अभी पानी डाल देंगे और चावलों को पकने देते हैं, फुल गैस कर देंगे। और जब तक चावल बनेंगे इधर मैं छौंक लगा देती हूँ सब्जी में, उसके बाद फिर आटा गूंथ के और गाय की रोटियाँ बनानी रह जाएंगी। और जी मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहाई थी, नहाने के बाद मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया है। और किचन विचन मैंने साफ़ कर दी थी सुबह, एक बार कपड़ा लगा दिया और बर्तन वर्तन सारे वॉश करके तवा वगैरह, तब सोई थी रात को। तो इधर कुकर रख दिया है, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, कल आलू बॉयल किए थे मैंने, शायद हो सकता है उसका लगा। एक बार पानी से धो लेती हूँ गाइस। ये जो नॉनस्टिक था ना, इस पर एक दो बार सब्जी लग गई और उसके बाद से ना इसका ये कालापन सा नहीं जा रहा। तो जी अब करते तड़का लगाने की तैयारी। इधर मैंने गैस कर दी है ऑन, ये चाकू रख देती हूँ। और जी आज मैं इतनी जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी, चाय भी अब मैं बाद में ही पीऊँगी। हस्बैंड के पानी की बोतल, और उधर ना ये सारा पानी सोख लेता है, उसके बाद हम तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। तब तक मैं चॉपर को, तो जी इधर देखो हमारा कुकर हो चुका गर्म, अब लगाते तड़का। तो चमचा ले लेती हूँ इधर से, रोको उसने वारों लाग रही। तो जी मन्नत अपने पापा के पास, उसके पापा संभाल रहे तब तक, और उसको लेटाते ही बेड पे और रोए जा रही है। तो जी देखो तेल डाल देते हैं, और आज मैं आलू की रस्सेदार सब्जी बनाऊंगी तरी वाली। तो अभी तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं, और इधर देखो हमारे चावलों में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। और नीचे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, क्योंकि यहाँ पे अब हमें वो तो मिलेंगे नहीं उपले, तो अंगारी बनानी थी उसके लिए चाहिए था, तो मैं लकड़ी का टुकड़ा ही सही लगा मुझे रखना, तो मैंने रख दिया। तो देख सकते हो आप, देखो तो जो मैंने उसको इधर ही से ले रखा है, क्योंकि अभी वो तो जल्दी से इसे लग जाती, जल जाती मतलब कि। देखो इसको मैंने इधर रख दिया,
अब ना ये मतलब हल्की हल्की जलनी शुरू हो गई, और अब जब ज़रूरत होगी ना तभी इसको एक बारी गैस पे रखते ही ये जल जाएगी अच्छे से। तो इधर हमारे चावल बन रहे हैं, और इधर देखो तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया, भाप भी उठती हुई दिखाई दे रही। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। देखिए प्याज सुनहरे होने लग गए, और इधर से मैंने प्याज निकाल ली, पानी डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा। और इधर देखो हमारे चावल अध पक्के हो गए हैं, अब ये सारा पानी सोख लेंगे ना, फिर इनमें दूध डालूंगी और फिर इसको बनाऊंगी फिर। तो इधर हमारे प्याज भुन गए हैं, अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। और अभी डाल देती हूँ मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक, इसका फ्लेम कर देती स्लो। अभी डालूंगी हल्दी पाउडर, जितनी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग। अब धनिया पाउडर डालना है, बस और कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब इन मसालों को टमाटर के साथ भून लेते हैं, और अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी। तो ये पानी था ना, और अब इन टमाटरों को और इस मसाले को भूनने देते हैं अच्छे से, ताकि ये गल जाए। अब गैस का फ्लेम कर देती हूँ मैं फुल। और इधर देखो चावल हमारे पानी सोखने लग गए, और एक बार मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देती हूँ वहाँ पे। देखो क्योंकि ना मिर्च की दशक वगैरह टाइप में हो गया है पूरे उसमें रूम में। तो इधर हमारे टमाटर गलने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं डालूंगी ये आलू। गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है एक बार फिर से। और जी मैंने कल अपनी नेल पेंट रिमूव कर ली थी, आज दूसरी लगाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो काफ़ी हट चुकी थी आधे से ज़्यादा। तो मैंने कल रात को रिमूव कर ली थी जी, मुझे टाइम मिला। तो जी देखिए इधर मैंने आलू डाल दिए हैं, अब ये पानी डाल दूंगी सारा। तो जी इधर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो जी इधर मैंने पानी डाल दिया है, और अब सब्जी को बनने के लिए गैस का फ्लेम कर देते हैं फुल, और इसको मैं ढक्कन से ढक देती हूँ। और इधर सबसे पहले तो मैं अब दूध डाल देती हूँ, क्योंकि चावल ने सारा पानी सोख लिया। तो जी ये रहा दूध। जी अब इन चावलों को और दूध को खद्दा लगने तक पकाते हैं। तो जी अब गैस का फ्लेम कर देते हैं फुल, ताकि इसमें उबाल आए दूध में, और जब दूध में उबाल आएगा तो ये साथ के साथ ही ये चावल भी घुट जाएंगे, और फिर इसमें मैं मीठा डाल दूँगी। तो
ये आप देख सकते हो, अभी मैंने दूध डाल दिया, अभी इसमें उबाल आने देते और इसको मैं ढक्कन से ढक देती हूँ। तो जी इधर मैंने ढक्कन ढक दिया है, इधर दूध में उबाल आ रहा है। अभी पहले मैं थोड़ी सी मसालेदानी हटा देती हूँ, इसमें नमक अभी मुझे चाहिएगा। इन दोनों को वॉश कर देती हूँ साथ के साथ ही, और ये पानी गिरा के इसको भी वॉश कर देती हूँ। और जी अब उसके बाद करूँगी मैं आटा गूंथने की तैयारी। तो अभी मैं आटा छान लेती हूँ और उन बर्तनों को वॉश कर देती हूँ। तो जी देखिए इधर ये इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, और इसमें थोड़ा दूध मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा दूध और ऐड कर दिया था। और इधर सब्जी बन रही है और अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ छान के। और इधर मैंने वो बर्तन थे वो वॉश कर दिए, और आपको दिखाई दे रहे होंगे ना वॉश बेसिन पे निशान, ये इस पे बहुत पहले से ही है। और ये मैंने ना हारू से उतार के देख लिया लेकिन उतर नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसे कैसे हुए। तो ठीक है जी अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ फटाफट, फिर गाय की रोटियाँ निकालनी मुझे। और तब तक इधर हमारी खीर भी पक रही है, अभी गैस का फ्लेम मैं स्लो कर देती हूँ क्यों वरना निकल जाएगी आटा वगैरह गूंथूंगी तब तक। इसको स्लो गैस पे पकने देते हैं। ठीक है जी अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो जी इधर मैंने आटा गूंथ दिया है और इधर खीर में उबाल आ गया है। ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई देखो, और अभी मैं इसमें मीठा डाल देती हूँ। मैंने खीर में मीठा डाल दिया है, अब इसको 2-3 मिनट और चला के फिर इसको बना बंद करके एक साइड रख दूंगी। खीर हमारी बन गई और अब मैं गाय की रोटियां सेक लूँगी साथ के साथ, फिर हस्बैंड जोत लगा देंगे। तो जी इधर हमारी खीर बन के हो गई है तैयार, और अभी मैं रख देती हूँ तवा, ये गैस से उतार दी और तवा देती हूँ। और अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट गाय की रोटियाँ। इसको मैं देती हूँ ढक, और फिर ये दूध उबालूंगी। और कल रात को मैं दही जमाना भूल गई तो अब दही जमाऊंगी साथ के साथ ही, शाम तक जम जाएगी। ओ ये नहीं, दूसरे वाला तवा रखना था उसको, तो जो मैंने ये वाला तवा वॉश कर दिया था, ये वाला तवा रख दिया। और अभी मैं रोटियां सेक लेती हूँ पता। तो जी इधर हमारा तवा गर्म हो रहा है, तब तक मैं फटाफट लोइयां बना लेती हूँ छोटी छोटी, और गाय की रोटी सेक के दे देती हूँ। तो जी देखो इधर मैंने रोटी बना दी और बाकी रोटियां बन रही है, और अभी मैं इनके ऊपर खीर रख देती हूँ, फिर हस्बैंड भोग लगा देंगे। तो जी इधर मैंने गाय की रोटियां बना दी, ताजी पानी रख दिया, और अंगारी अभी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो जी यहाँ पे उपले तो मिलेंगे नहीं तो हम लकड़ी के टुकड़े से ही अंगारी बनाएंगे, तो इसको मैंने रख दिया है। और इधर हमारी सब्जी बन गई थी, मैं खोल के देख रही थी, तो जिसमें पानी की कमी है थोड़ी सब्जी में, तो जी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने एक खड्डा लगवा लिया। और देखो अब सब्जी बनके तैयार हो चुकी है हमारी आलू की, इसको तो मैं वापस ढक देती हूँ। और इधर दूध उबल रहा है हमारा, इसमें फिर दही जमाऊँगी और फिर अपनी चाय बनाऊँ पीऊँगी सुबह वाली। और ये गाय की रोटियाँ तैयार कर दी, हस्बैंड नहाने गए हैं, नहाने के बाद वो करेंगे जोत लगाएंगे, और इधर तब तक अंगारी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इस व्लॉग को जितना हो सकता है इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, और मेरी ओर से सबको नमस्ते, बाय बाय, सी यू।